बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमने ये घर के अंदर जो है बीन्स स्प्राउट्स जो हैं वो तैयार किए हैं। आज से कोई 5 से 6 दिन पहले हमने इनको भिगोया था पानी के अंदर और आज ये इस स्टेज के ऊपर जो है ये तैयार है। अगर आप इनको देखें तो ये इस बकेट के अंदर, छोटी सी टोकरी के अंदर जो है हमने इसको तैयार किया है, जिसके अंदर से पानी निकलने का पूरा निज़ाम है। साइड पर हमने टिशू लगाए थे, ये टिश्यू इसके अवेलेबल हैं और इसको हमने इस छोटे से बर्तन के अंदर जो है ना सबमर्ज किया था। तो आज 6 दिन में ये ईटेबल हैं, ये खाने के काबिल हैं और ये मूंग बीन से बनाए गए हैं और ये आप इसको पका के भी खा सकते हैं, आप इसको कच्चा भी एज इट इज सैलड के तौर पे, और मैं अगर इसको खाऊं तो ये बड़े डिलीशियस हैं, बड़े मज़े के हैं। अक्सर लोग कहते हैं पता नहीं इसका जायका टेस्ट कैसा होगा, तो ये वाकई बड़ा हेल्दी न्यूट्रिशियस और सबसे बड़ी बात है कि टेस्टी बड़ा है। आप इसको बैठे हुए पूरे का पूरा पॉट रोटी के साथ खाते हुए एज सैलड जो है वो खा सकते हैं। इसको कुक करें, इसका सैलड बनाएं, इसको जिस तरीके से भी खाएं। दूसरी चीज़ मैं आपके लिए दिखाऊंगा वो इसके इस स्टेज के ऊपर है, ये कोई एक दिन बाद में लगाया था उसके, और ये इसकी जड़ें देखिए नीचे से निकलना शुरू हो गई हैं। जो दूसरा हमने लगाया था उनकी रूट्स तो काफ़ी लंबी हो चुकी हैं, वो रेडी हैं। ये भी अगले कुछ 2 दिन के अंदर जो है ये भी तैयार हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर। तो बीन से अपने घर के अंदर जो है स्प्राउट्स जो है उनको तैयार करें, बहुत मज़ेदार, डिलीशियस और सबसे बड़ी बात है हेल्दी डाइट जो है वो आप इससे तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।